नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टिकल कम्पियम में। और आज हम बात करने वाले हैं WhatsApp के न्यू फीचर फिंगरप्रिंट के बारे में। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों पॉपुलर मैसेजिंग ऐप WhatsApp इन दोनों ऐप को बेहतर बनाने के लिए लगातार नए फीचर पर काम कर रही है। कंपनी एंड्रॉयड और iOS दोनों ही वर्जन के लिए नए फीचर जारी कर रही है। हाल ही में एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि WhatsApp अब आपके फिंगरप्रिंट से खुलेगा। इस फीचर की मदद से कोई दूसरा आपके WhatsApp को नहीं खोल पाएगा। खबर है कि यह फीचर एंड्रॉयड यूजर्स के लिए लाया जाएगा। WABetaInfo की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने फिलहाल WhatsApp बेटा एंड्रॉयड 2.19.3 पर फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन फिंगरप्रिंट फीचर का ऑप्शन दिया है। इस फीचर से WhatsApp की सिक्योरिटी और भी बढ़ जाएगी, साथ ही यूजर्स की चैट भी पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। इसके अलावा WABetaInfo ने बताया कि इसके अलावा WhatsApp फेस आईडी और टच आईडी फीचर पर भी काम कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि WhatsApp में एक नया सेक्शन होगा जिसमें फिंगरप्रिंट फीचर इनेबल करने का विकल्प होगा। यह फीचर बिल्कुल iOS की तरह ही काम करेगा और Apple के ऑपरेटिंग सिस्टम में भी उपलब्ध कराया जाएगा। यूजर्स को हर बार ऐप खोलते समय अपने फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करना होगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अगर WhatsApp आपके फिंगरप्रिंट को डिटेक्ट नहीं कर पाता है तो आप अपने फ़ोन के क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करते हुए ऐप को ओपन कर पाएंगे। फिलहाल WhatsApp का नया फीचर डेवलपमेंट के अल्फा स्टेज में है और यह Android Marshmallow और इससे ऊपर सभी WhatsApp यूजर को उपलब्ध हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा।